प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों को शीतलनाथ भगवान की वंश परंपरा में हमारे ही वंशजों ने उस तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनकर हमारे कई वंशज इतिहास में मोक्ष चले गए, परंतु हम नहीं जा पाए। वो गए लेकिन हम नहीं जा पाए। हमारे आराध्य शीतलनाथ भगवान गए लेकिन हम नहीं जा पाए। क्या कारण है हम नहीं जा पाए? हमारे वंशज चले गए और हमारे आराध्य भी धरती पर नहीं रहे, वो भी आत्मकल्याण कर गए। हमको क्या हो गया था मूढ़ बुद्धि वालों को? मुझे क्या हो गया था मूढ़ बुद्धि? पश्चाताप करोगी कि नहीं करोगी? और पश्चाताप करके प्रतिक्रमण भी करोगी क्या नहीं करोगी? प्रतिक्रमण करके उन गलतियों को त्याग करोगी क्या नहीं करोगी? अगर इस चातुर्मास में उन्हीं गलतियों का त्याग आपने कर दिया तो मेरा चातुर्मास सफल हो गया। मेरा चातुर्मास सफल हो गया मैं समझूंगा, और नहीं कर पाए तो यही समझूंगा ये अज्ञान हटने वाला नहीं है। अज्ञानी नहीं बनना है, अज्ञानी नहीं रहना है। जीवन जीने के लिए जो परमार्थ का ज्ञान चाहिए, वह ज्ञान संग्रहित हो रहा है, उसको महत्व दो, उसको महत्व दो। गुरु से शिक्षा के वचन सुनो और उन पर चिंतन करो दिन भर। क्या कहा गुरु ने? करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या इधर से सुनकर इधर छोड़ने का कार्य करना चाहिए? अपने कल्याण के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? शीतलनाथ भगवान के काल में भी हम थे, वहां कर नहीं पाए। भगवान मिले थे, गणधर परमेष्टी मिले थे, और जितने बार भी हमने कालांतर में जन्म मरण किया, कई बार मनुष्य पर्याय भी मिलती रही, मनुष्य भव में जन्म होता रहा। लेकिन हमने क्या किया? मंदिर भी गए और हमारे वंशज जो गुरु परंपरा के गुरु थे आज तक के, शीतलनाथ भगवान से लेकर अब तक के, उन गुरु के पास भी बहुत बार गए, नहीं गए ऐसा नहीं कह सकते। जब जब मनुष्य पर्याय मिली, धर्मात्मा मिले, आत्मकल्याण के वचनों को सुनाने वाले सानिध्य मिला, लेकिन हमने क्या किया? उसको समझने का प्रयास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। दुर्बुद्धि ने हमने नहीं किया। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है इस चातुर्मास में, मैं एक भी प्रवचन चूक न जाऊं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं एक भी वाणी से वंचित न रखूं। और गुरु महाराज जितना समय दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आपको समय देना गुरु के लिए कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको समय दे दूं और उस समय के पीछे मुझे कोई स्वार्थ हो, ऐसा कुछ है? मुझे ब्याज मिल रहा हो, बैंक का ब्याज, ऐसा कुछ भौतिक लाभ है क्या इसके पीछे? धन है, संपत्ति है, इसका लाभ है क्या? नहीं है ना?
मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं इतना ही चाहता हूँ मैं मेरा काम कर सकूँ, ऐसा मेरे गाड़ी में पेट्रोल भर भर दो और कुछ ना करो, आप कुछ भी नहीं करो, मुझे जो आवश्यक है वो चाहिए, मैं उसके लिए आया हूँ। और हमारी गाड़ी 24 घंटे में एक बार ही आपके पेट्रोल, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल पंप, हाँ, आपके पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकती है, तो हम ये नहीं कहते गाड़ी इसलिए रुकी है तुम डालो। गाड़ी आने से पहले ही प्रतीक्षा में रहते हैं आप, और भक्ति के साथ स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। नौधा भक्ति होती है। इस गाड़ी में जो पेट्रोल डालता है उसके भी तीन भव बच जाते हैं। ये महिमा है श्रावक के, दाता की महिमा ये है। दान देता है, उत्तम पात्र में दान देता है, वो भवों को बचा लेता है, उसके भव कम होते हैं और परमात्मा बनने का सौभाग्य लुटाता है। सुन रहे क्या? इधर उधर मन भटक रहा है, मन बड़ा अपराधी होता है, कब वो जाता है आपको ख्याल भी नहीं रहता, आप उसके साथ चले जाते हैं, ये तुम्हारा अपराध रहता है। अलर्ट रहो, अपना मन भी आप अपने को साथ नहीं देता, वो कहता है अनादिकाल से तुम मेरे साथ रहे, मेरे मित्रता को छोड़कर किधर भटक रहे हो, प्रवचन उधर मत सुनो, इधर देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, नीचे देखो, इधर देखो ना, मजा आता है तुम्हें। वो अपना मजा चखाना चाहता है, मन मन अपना मजा चखाना चाहता है, और आप उसकी बातों में आ गए तो नुकसान में जाओगे। मन अलग है, आत्मा अलग है। सुन रहे क्या? फिर भी नींद आ रही है, नींद भी सताती है, नींद वही है जो आपको भटकाना चाहती है। आप सजग क्यों नहीं होते? और शीतलनाल भगवान के अपने आराध्य के इसी गांव में जन्मे थे, उनके समोसरण में भी हम जब चले गए थे, हमको इन्हीं लोगों ने गुमराह किया था। किसने? कभी निद्रा ने, कभी प्रमाद ने, कभी मन ने, कभी इंद्रियों ने गुमराह करके हमको भटका दिया। भगवान का वाणी सुनने में, उनमें मग्न होने में बहुत दिक्कत कर दिया, और हमने उसको साथ दे दिया, मन का साथ दिया, इंद्रियों को साथ दिया। तो ऐसा हुआ है, ये अपराध हुआ है, इसलिए हम दुख दर्द को अपने आत्मा से दूर नहीं कर पाए, आज भी संकट में है। हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारा परिवार ठीक नहीं, इस दुख दर्द के लिए क्या करना चाहिए? कोई एक मंत्र दे दो और कोई मूर्त भी दे दो, वो मूर्त वाला देवता हमको ठीक करेगा, वो मूर्त से हमारा कार्य प्रारंभ होगा और ये संकट टलेंगे। ये और बड़ा मिथ्यात्व है आपके जीवन में, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, और इसी को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ये कौन सा मिथ्यात्व? अग्रहित मिथ्यात्व है ये। आप मुहूर्त के पीछे भटक रहे, मुहूर्त आने दो, मैं अच्छा कार्य करूंगा, कैसा विश्वास है? क्या सोचते, क्या समझते आप? अच्छा, संकट अगर मुहूर्त से टलने वाला होता है, ये विश्वास है, तो राम को तो बहुत बड़ा सर्वार सिद्धि योग, और राम वनवास चले गए बेचारे हो। उनको जाना पड़ा वनवास, इसके पीछे कौन काम कर रहा था? हाँ, कर्म काम कर रहे थे क्या? वो जो चाहते थे, वो वहां पर चाहने वाले लोग भी थे क्या? नहीं, वनवास जाने भेजने के अपराधी बाहर थे क्या, अंतरंग में थे?
ये तथ्य को समझकर जीना है। राम जैसे एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवात्मा तद्भो मोक्षगामी उनको शुभ मुहूर्त कुछ ना कर सका। याद तो करो इतिहास को, सोचो इन तथ्यों पर। आप सोचते नहीं, देखा देखी भागते हैं, लकीर के फकीर होते हैं। वो कहते हैं कि इस मुहूर्त पर तुम कुछ करो तो ठीक हो जाएगा, लेके बैठ गए। ये अज्ञान दशा ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। हम भटकते हैं तो अपने अज्ञान के कारण से भटकते हैं। हमको अपना ज्ञान भटकाता नहीं, हमारा अज्ञान ही भटकाता है, हमको कहीं भी ले जाता है। वो उनका सुनो, कभी इनका सुनो, वहाँ भागो, ये भागो, मतलब सुख का स्रोत कहीं से भी मिल जाए, उस दुकान में जाने के लिए और उस साधन को अपनाने के लिए आप तैयार रहते, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस महाराज ने मंत्र नहीं दिया तो महाराज तो देते नहीं शायद, इनका देने का नियम नहीं है, मैं दूसरी जगह पूछ लूँ। अरे मूर्ख, क्या भटक रहा है तू, जरा आत्मा को समझ। आत्मा के भीतर जो सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर। और ज्ञान हो क्यों नहीं रहा है, इतना प्रयास करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है तो सो जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता। हम काम करते 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 ही अपने आप को भूल जाते हैं, मन का साथ देते रहते हैं, इंद्रियों का साथ देते रहते हैं, और सबसे बड़े नुकसान में तो वहीं चले चले जाते हैं हम। हमारा प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। हमको अलर्ट दशा में जो रहना चाहिए, वो अलर्ट दशा हमारे पास नहीं है। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, शीतलनाथ भगवान क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। आपको मन का साथ दे रहे हो, मन के पक्ष में हो, और अंधविश्वास में बैठे हैं, मुझे लिए मूर्ति ठीक करता है। दुनिया के लोग सब मूर्त ढूंढ ढूंढ करके अपने अच्छे काम करते हैं, महाराज आप क्यों मना कर रहे, समझ रहे आप। जरा अंदर जाकर के विवेक पैदा कर रहा है क्या नहीं ये वचन। सोचने के लिए बाध्य हो जाओ, उस पर उसके लिए समय दो। सुनो और छोड़ो मत, वहां जाकर के वही कार्य, ऐसा मत करो। महाराज ने क्या समझाया, वास्तव में वो तथ्यपूर्ण है, सत्यपूर्ण है भी या नहीं है, चिंतन करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, जब तीन बार बताया जाता है तब संबंध या तो जुड़ता है या तो टूटता है। शादी होने के बाद तीन बार पूछा जाता है कि नहीं। वही उदाहरण यहां लागू कर रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं, डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, डिवोर्स, सलाह, संबंध विच्छेद। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, एक बार बताया तो मुझे स्मृति में से उड़ गया, संबंध विच्छेद उसका नाम है। तो संबंध विच्छेद एक बार में नहीं होता, पहले एक बार में होता है, फिर दोबारा पूछा जाता है, क्योंकि चिंतन में कोई अंतर आया है नहीं, कुछ मन के विचारों में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये देखा जाता है। दूसरी बार भी हाँ ठीक है, दो बार हो गया, तीसरी बार होता है कि नहीं देखते हैं। तो तीसरी बार भी अगर कुछ ऐसा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप बच सकते हैं, अनर्थ होने से बच सकते हैं, दूसरी को भी बचा सकते हैं। अब तीसरी बार में तो कोई मार्ग ही नहीं बचता, और निर्णय उसको लिया जाता है तो उसका नाम है संबंध विच्छेद। तो हमारे आप के संबंध जुड़ रहे हैं प्रवचन में, तो मैं भी पूछूंगा ना। क्योंकि आप छह से जुड़े हैं और उनको आप मित्र समझ रहे हैं,
और उनके साथ चले जाते हैं। कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। छह लोग हैं ये आप अपने साथ में, यही दुश्मन है। ये कौन कौन समझ गए ना? पांच इंद्रिय और मन, ये दुश्मन है। तो आज उत्तम त्याग धर्म का दिन आया है और प्रवचन सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा उत्तम त्याग तो यही है, वहां से संबंध विच्छेद हो जाए और गुरु से संबंध जुड़ जाए। गुरु आपको विश्वास दिला रहा है, कभी न कभी आपको विच्छेद करना ही पड़ेगा। हाँ, इंद्रियों का मत सुनो, मन का मत सुनो, जो गुरु कह रहे हैं उसको सुनो। और गुरु से तीन बार कहो, मैं मन की बात नहीं मानूंगा, मैं इंद्रियों की बात नहीं मानूंगा, और मानूंगा तो आपकी बात ही मैं मानूंगा। इतने समर्पित हो क्या? तो संबंध है, जुड़ो हमसे। लेकिन इस संबंध के होने के पश्चात भी मैं किसी को भक्त नहीं बनाऊंगा, उपकार करूंगा। उपकार का कार्य निरंतर रहेगा। ये संबंध तो टूटेगा नहीं, लेकिन आपको भक्त बनकर मैं स्वीकार नहीं करूंगा, शिष्य बनाकर शिष्यत्व स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ऐसी कुछ परेशानियां हैं, दिक्कत है। शिष्य बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं शिष्य हूं, मेरी जिम्मेदारी आप ले लो, ये मत कहो। उससे मैं बंध नहीं सकता। क्यों नहीं बंध सकता? इसलिए कि वो परिग्रह का विषय हो जाएगा, विकल्प का विषय हो जाएगा, और मुझे जब समाधि मरण आ जाए, काल आ जाए, अभी आ जाए, कभी आ जाए, उसे उस समय मुझे निर्विकल्प रहना है। समझ गए? जैन धर्म के डेथ को, जैन फिलॉसफी को जीना सीखो, मर्म को पहचानना सीखो। मैं किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शिष्य हो गया, तुम गुरु बन गए, ये कोई मेरा संकल्प नहीं। महाराज फिर हमारे ऊपर उपकार कैसे करोगे? नहीं, उपकार करूंगा, उपकार का संबंध रहेगा।